अस्सलामु अलैकुम। हमारे माशरे के हालात से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नावाकिफ हो, सिसकते अरमान, मुरझाए चेहरे और नम आँखें। कितने ही लोग हैं जो रोज़ जीते मरते और मुश्किल हालात का सामना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी हर एक अमल से हमारा रब वाकिफ है? वल्लाही एक एक जुम्बिश का हिसाब देना होगा। ज़रा सोचें, अल्लाह अपने बंदे से पूछे कि किसकी वजह से रोए थे, किसने डाला इन हालात में, और साथ ही दूसरा सवाल कर बैठे, उस वक्त कौन आया था तुम्हारी मदद को, किसने भरा पेट, किसने की किफालत तुम्हारी, और वो बंदा कहे तेरा फलां बंदा बंदी आए थे मेरे रब, और अल्लाह मुस्कुराना शुरू कर दे। ज़रा सोचें, कितनी ही खूबसूरत बात है कि उसका फलां बंदा अपने रब से कहे कि मेरे रब ये मसला है, और अगले ही लम्हे अल्लाह आपको उसकी ज़रूरत पूरी करने भेज दे, और वो बंदा आपके लिए दुआया हाथ उठाए, और वो दुआ सीधी आसमान तक जा पहुँचे और आपके हक में कबूल हो जाए। और अल्लाह पाक कुरान करीम सूरह मरियम की आयत नंबर 64 में फरमाता है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं।